हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जिसमें हम करते हैं पेड़ पौधों संबंधित बातचीत। तो दोस्तों, आज हमारे पास नया स्टॉक आया है पेड़ पौधों का, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोगों को प्लांट दिखाएं। क्या हुआ? तो दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लांट जो हमारे पास इस समय आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो हम वो आपको नए स्टॉक वाले दिखाना चाहते हैं दोस्तों। चलते हैं, सबसे पहले हम आपको वीडियो को ना ही लेट करते हुए सीधे आपको प्लांट पे ले चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्लांट आए हैं बहुत सारे, तो हम सारी वैरायटी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। चलो दोस्तों, दिखाते हैं। सबसे हम आपको दिखाते हैं समी। समी का पौधा देख सकते हो, बहुत ही प्यारा पौधा है समी का। आप ये देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे समी के पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं प्रेमपाल नर्सरी पर दोस्तों। समी का पौधा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर, बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं इस समय ये, बहुत ही स्वस्थ हैं, अपने पास मिल जाएंगे प्रेमपाल नर्सरी पर, और आप आके ले सकते हो दोस्तों। समी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है, और इन प्लांटों को दोस्तों घर में लगाना शुभ होता है। इसकी पूजा भी होती है, दीपक भी जलता है, और इस समय आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि ठंड के मौसम में इनकी थोड़ी ग्रोथ डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको समी के पौधे हमारे पास मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो, ये बेला का पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है बेले का। इस समय गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है, देख सकते हो आप। ये मोतिया वाला है, इसमें गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इस समय अगर आपको किसी को ये मोतिया के पौधे चाहिए हो या बेला चाहिए हो, तो आप आके प्रेमपाल नर्सरी में ले सकते हो। बहुत ही शॉर्ट रेट में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे आपको दोस्तों। देख सकते हो, ये हाइब्रिड वाली जीनिया है, और इसका फूल देखो, इस समय गर्मी में सबसे ज़्यादा मज़ेदार पौधा यही है, क्योंकि 20-20 दिन इसका फूल रुकता है, बहुत मज़ा आता है इसमें, फ्लावरिंग बहुत टॉप की हो रही है इस समय। तो किसी भी मित्र को जीनिया चाहिए हो हाइब्रिड वाली, कलरफुल, बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं, तो आप आके ले सकते हो दोस्तों। और भी देख सकते हो, हमारे पास बिनका भी है, बिनका बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा इस समय खिल रहा है। तो किसी भी मित्र को चाहिए बिनका, तो आप आके बिनका भी हमारे पास से ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो और पुदीने के पौधे भी लगे हैं आगे, तो अगर आप पुदीना लेना चाहते हो तो पुदीना भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, बहुत ही स्वस्थ एंड बढ़िया पौधे हैं, तो आके आप दोस्तों ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों दिखाते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा सुगंध वाला पौधा जो होता है गंधराज चंपा, जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हो, हमारे पास गंधराज चंपा उपलब्ध है। इसमें बहुत ही प्यारी कलियाँ बनी हुई हैं, देख सकते हो आप, और इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है इसके फूल में। इसको गंधराज चंपा के नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही बढ़िया गंधराज चंपा अपने पास उपलब्ध है, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कलियाँ इसमें भरी हुई हैं, इस समय दिखाइए आप यहाँ पर कितनी सारी इनमें कलियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, वाइट कलर का फूल होता है, खुशबू बेहिसाब होती है दोस्तों। इस तरह के अपने पास पौधे मिल जाएंगे। ये देख सकते हो हाइब्रिड वाली कनम की गुलहड़ है, अपने पास ड्रॉप वैरायटी वाली गुलहड़ है, सब ये अच्छी खिल रही है। इस समय कलियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं, अब थोड़ा गर्मी का टाइम है तो फूल इस समय नहीं खिल रहे हैं, सॉरी, ये तो काटनी पड़ेगी लाइन। तो इस समय गर्मी में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, हमारे पास इस समय फ्लावर नहीं खिला हुआ है, क्योंकि सब कली में बनी हुई है। तो किसी भी मित्र को चाहिए हो गुलहड़, तो हमारे पास से गुलहड़ को ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। और सॉन्ग ऑफ इंडिया ये देख सकते हो आप, इसमें एक पौधे में पाँच छः प्लांट भरे हुए हैं, उसमें दो तीन चार प्लांट भरे हुए हैं। देखो गछुआ प्लांट है, आप लोगों को मिल जाएगा प्रेमपाल नर्सरी पर सस्ते रेटों में, बहुत ही बढ़िया दोस्तों इनमें। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर तीन शाखाएँ हैं, प्लांट लगे हुए तीन तो बहुत भरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो कोई भी मित्र लेना चाहता है तो आकर हमारे पास से ले सकते हो, बहुत बढ़िया लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने इंडोर में भी इसको लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आगे ही रखा हुआ है सामने, इसके गोल्डन साइप्रस का पौधा है। गोल्डन साइप्रस आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया गोल्डन साइप्रस है ये, आप लगाओ अपने घरों में, आउटडोर में, इंटीरियर पे, बहुत टॉप का प्लांट है, नंबर वन प्लांट है ये, समझ लो आप। गोल्डन का मोरपंखी की तरह होती है, गोल्डन साइप्रस बोला जाता है इसे, तो आपको प्रत्येक नर्सरी में मिल जाएगा, सस्ता बढ़िया ये साइज़ में हमारे पास उपलब्ध है, आके आप ले सकते हो। इसका छोटे साइज, इससे और बड़े बड़े साइज़ भी उपलब्ध हैं, कोशिश करेंगे आपको वो भी दिखाएँ, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगे हमारे पास। हाइब्रिड वाले गुलाब देख सकते हो दोस्तों, इस समय पीला कलर, रेड कलर, डबल पैटर्न वाला रबल रेड कलर भी खिला हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी गुलाब इस समय हाइब्रिड वाली हमारे पास है उपलब्ध। तो किसी भी मित्र को हाइब्रिड वाली गुलाब चाहिए तो आप आके ले सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर खिले हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं हाइब्रिड वाली गुलाब के अंदर। तो ये सारे अपने प्रेमपाल नर्सरी में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही प्यारे प्यारे दामों में। आ जाओ दोस्तों, ये आप आइटम देख सकते हो, ये है अपना अडेनियम, ये पुणे वाली वैरायटी है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये रेड सॉइल के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा है और रेड सॉइल के अंदर लगा हुआ है, बहुत ही स्वस्थ पौधा है। फूल देख सकते हो एकदम बहुत बेहिसाब आ रहा है इस पर, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें एक शेड है, देखो आप देख सकते हो चारों तरफ से शेड आ रहा है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत ही प्यारा कलर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला इसका जो कलर है वो यही है। तो आपको अपनी प्रेमपाल नर्सरी में
सस्ते दामों में मिलने वाला। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ अडेनियम के ही अंदर, आप देख सकते हो ये सीड है इसके, ये इसके बीज आ रहे हैं दोस्तों, इस बीज से जर्मिनेट भी हो जाता है। तो इस तरह से आप अडेनियम के प्लांट हमारे पास से अच्छी क्वांटिटी वाले ले सकते हो। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों पेंटास है, ये स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी होती है पेंटास, बहुत ही बढ़िया पेंटास है, ये पुणे वाला होता है, देख सकते हो आप, ये रेड सॉइल के अंदर है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये देख सकते हो रेड सॉइल के अंदर होता है, बहुत ही बढ़िया भर जाता है जी। और आप हैंगिंग में और पॉट के अंदर इसको लगा सकते हो, आउटडोर इंडोर दोनों जगह सर्वाइव इसकी बहुत अच्छी होती है पेंटास की, और इसका कलर बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही अच्छी सर्वाइविंग होती है। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी क्रोटन, इसको हम कबूतरी क्रोटन के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस क्रोटन की एक खास बात बताने जा रहे हूँ मैं, ये देखो इसमें दोस्तों देख सकते हो आप 3-3 प्लांट लगे हुए हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया रेट में अपने पास मिल जाएगी आपको, पूरा स्वस्थ पौधा, छोटा बढ़िया 1 फीट की हाइट में और एकदम बढ़िया है, आपको इंडोर आउटडोर में लगा सकते हो, और इंडोर का मतलब है सेमी शेड एरिया, जहाँ पर आपकी हवा का आना जाना हो और थोड़ी थोड़ी बहुत सनलाइट मिल जाए, तो ऐसे क्षेत्र में ये आपकी चल जाएगी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं मैरी एस्प्रेग्रास बोलते हैं इसको, फॉक्सटल भी बोलते हैं, इसकी गिलहरी की पूंछ की तरह इसकी मतलब पत्ते होते हैं, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप गिलहरी की पूंछ की तरह होते हैं, तो इसको फॉक्सटल का नाम भी दिया जाता है इस तरह से। तो ये अपने पास उपलब्ध है, बहुत ही बढ़िया आइटम है, इसको हैंगिंग में और पॉट में लगा के आप जो आनंद प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लाजवाब, तो इसको आप लगा सकते हो, बहुत ही कूल प्लांट है। और इसमें दोस्तों बहुत कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस वाला सिस्टम खुद ही होता है, वाटर वाला सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, इसकी जो जड़ों में होती है उसके अंदर सतह भर की तरह पानी रहता है, तो आप स्टोर रखता है प्लांट, जब इसको नीड होती है तो उससे ले लेता है, तो इस तरह से ये प्लांट होते हैं। तो आप अपने घरों में अपने हैंगिंग में और बास्केटों में लगाकर बहुत अच्छा अपना गार्डन बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो आप अपराजिता के पौधे देख सकते हो दोस्तों, ये डबल पैटर्न वाली अपराजिता है, बहुत ही बढ़िया अपराजिता दोस्तों, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है इस समय, तो अपराजिता का फूल देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया हो रहा है। तो इस समय अपने पास अपराजिता के पौधे उपलब्ध हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पूजनीय और घर में लगाना बहुत ही शुभ माने जाते हैं, यह पौधे डबल पैटर्न वाले हैं और अच्छे लगते हैं दोस्तों। आइए आपको दोस्तों कुछ क्रोटन की वैरायटियां दिखाई जाएँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्रोटन की वैरायटी हमारे पास आई है दोस्तों। ये देख सकते हो जो चिरौंजी वाली क्रोटन है, पुणे वाली, आप देख सकते हो रेड सॉइल के अंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्वस्थ है, और इस समय आप इसको आउटडोर इनडोर में दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लगती हैं, और इनको आप लगा सकते हो अपने घर में और बहुत अच्छा लगता है। और भी दिखाते हैं दोस्तों, एक और क्रोटन आई थी हमारे पास, ये देख सकते हो ये बर्मा वाली क्रोटन है, ये भी पुणे की क्रोटन है, देसी वैरायटियाँ नहीं है, हाइब्रिड वाली क्रोटन है, बहुत ही स्वस्थ एंड बढ़िया है, देख सकते हो इसकी रेड सॉइल है। तो आपको किसी भी मित्र को चाहिए तो आप आगे हमारे पास से ले सकते हो, प्रेमपाल नर्सरी जौहरपुर सीबीगंज बरेली, हमारे पास आपको जो भी पौधे दिखाएं सारे पौधे उपलब्ध हैं, जो वैरायटियाँ दिखाई हैं सारी पौधे की वैरायटियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं प्रेमपाल नर्सरी पे। आप आगे दोस्तों ले सकते हो, अडेनियम ले लो, क्रोटन ले लो, पेंटास ले लो, ये सब जो अभी नया माल जो अभी आया जल्दी मैंने आपको सारा कुछ शेयर किया है, तो आपको सभी इस समय उपलब्ध है, आप आ सकते हो। और भी छोटी हाइट में 2 फीट की हाइट में है, बहुत ही प्यारा जो है एरिका पाम उपलब्ध है, ये पुणे वाली वैरायटी है दोस्तों। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इसमें प्लांट देखो कितने सारे हैं, कितना सारा भरा हुआ है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय। तो ये वाले पुणे वाले हमारे पास एरिका पाम बहुत ही बढ़िया उपलब्ध हैं, और भी मेरे पास एरिका पाम है, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो एरिका पाम लगा हुआ है, ये एरिका पाम है एक लगा हुआ, ये है एरिका पाम लगा हुआ, इसकी वीडियो आपको देखी होंगी, आप लोगों ने मेरे चैनल में पढ़ी हुई है। तो सारा एरिका पाम का नया स्टॉक हमारे पास है उपलब्ध, ये पुणे वाला है, बहुत ही स्वस्थ होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो किसी भी मित्र को इस तरह के पौधे चाहिए, अच्छे स्वस्थ पौधे चाहिए, तो आप आगे प्रेमपाल नर्सरी पर ले सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है, पौधे जेन्युइन और बढ़िया क्वालिटी का आपको मिलेंगे। हमारे पास फ्रूट प्लांट भी उपलब्ध हैं, प्लास्टिक के पॉट, मिट्टी के पॉट, सारे पॉट भी उपलब्ध हैं, अभी मिट्टी के नए पॉट आएँ तो उसकी भी दोस्तों हम वीडियो देंगे अपने इसी चैनल पर दोस्तों। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों आप लोग देखते हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो, छोटा सा एक कमेंट प्यारा सा कर दिया करो, जिससे हमें मनोबल बढ़े हों आप लोगों के लिए नई नई बेहतरीन वीडियो बना के दें दोस्तों। और दोस्तों लगातार प्रयास कर रहे हूँ, आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।